बहुत महंगा हो चुका है भूटान आना अब। वी इंडियंस लव योर कंट्री। रेट क्या है यहाँ भूटान में? चार्जेस पे करना होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। And for Indian only, they have to pay only 1,200 per person. एक ये पर्ची दिया है। ठीक है। ये भूटान का गाड़ी है, सामने है भूटान। दिस इज द बॉर्डर, ये है भूटान, सामने भूटान बॉर्डर है ये। मैं पहुंच गया, दिस इज माई थर्ड टाइम। जय हिंद सर। दिस इज भूटान बॉर्डर एंड आई एम इन टू भूटान नाउ। दिस इज भूटान। यस सर। यू आर फोटो रेडी? यस सर। यू वांट टू सी? ओके। विदाउट वोटर आईडी इट्स नॉट अलाउड, इंडियंस आर नॉट अलाउड। ओके। वोटर आईडी और पासपोर्ट यू हैव टू गो। आधार कार्ड एक्सेप्टेड और नॉट? ओनली वोटर आईडी। वोटर आईडी एंड पासपोर्ट। वोटर आईडी एंड पासपोर्ट। या दिस इज यू हैव टू गो टू इमिग्रेशन। ओके। इमिग्रेशन। ये इन्होंने कुछ दिया है पर्ची, वोटर आईडी कार्ड इंपॉर्टेंट है अंदर जाने के लिए। दिस इज माय थर्ड टाइम आई एम इन भूटान। ओके। नो नो, बिफोर लॉकडाउन बाय कार। दिस इज माय थर्ड टाइम बाय बाइक। या आई एम इन भूटान नाउ। दिस इज फूड सेलिंग, ब्यूटीफुल टाउन। चलिए आप लोगों को भूटान ले आए हैं। और ये सामने गेट से घुसते के साथ आगे राइट साइड में इमिग्रेशन ऑफिस है, अभी इमिग्रेशन में ही जाना है। दिस इज इमिग्रेशन ऑफिस। मैं पहुंच गया भूटान के अंदर और वो है सामने गेट इंडिया भूटान बॉर्डर का। ये है इमिग्रेशन ऑफिस, बिल्कुल बगल में है इमिग्रेशन ऑफिस। उन्होंने कोई पर्ची दिया है गेट पे, आपके पास पासपोर्ट नहीं तो वोटर आईडी कार्ड रहना कंपलसरी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये बाइक को मैंने पार्क कर दिया इमिग्रेशन ऑफिस में, अभी जा रहे हैं और आप लोगों को बताते हैं कि उन्होंने पर्ची दिया है इसके आगे क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर है। चलिए चलते हैं। ये इमिग्रेशन ऑफिस से निकल रहे हैं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ अंदर हुआ क्या। ये अंदर में उन्होंने कंप्यूटर पे रजिस्टर किया है और एक ये पर्ची दिया है। ये एग्ज़िट के टाइम में ये पर्ची मुझे गेट पर देना होगा, ये पर्ची अपने पास रखना होगा। एंट्री के टाइम में एक पर्ची मिला और एग्ज़िट के टाइम में एक पर्ची मिला। उन्होंने कंप्यूटर पर रजिस्टर किया है। आपके पास पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड मस्ट है, कंपलसरी है। आधार कार्ड नहीं चलेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। अब आगे का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या रूल्स चेंज हुआ है वो चल के पता करते हैं। इन्होंने बताया यहाँ पर टूरिस्ट काउंटर है, वहाँ जाएंगे अभी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अब इमिग्रेशन ऑफिस से निकल रहे हैं और चलिए आप लोगों को भूटान का बहुत ही खूबसूरत ये शहर है फूड सेलिंग, इस शहर का एक बार नज़ारा दिखा देते हैं आप लोगों को बाइक से। मैं कार से दो बार आ चुका हूँ यहाँ, पूरा शहर मैं घूमा हुआ हूँ। पहले टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे चलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी हॉर्न नहीं बजाते हैं लोग, बहुत डिसिप्लिन है, आप फील कीजिएगा इस चीज़ को। कोई हॉर्न का आवाज़ नहीं आएगा, कोई रोड क्रॉस करेगा तो लोग कार अपनी रोक देंगे, बहुत डिसिप्लिन है यहाँ। पहले यहाँ का रूल्स रेगुलेशंस जो चेंज हुआ है उसको पहले पता करते हैं, आपके लिए सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बाद फिर एक शहर का राउंड लगाएंगे। सर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर किधर? टूरिस्ट सेंटर हाँ क्लियर। कहाँ? ये वाला है, यही वाला है। बाइक कहाँ लगाना होगा? वो आगे पार्किंग में लगा दीजिए, बाइक वाला पार्किंग। और कहीं नहीं लगा सकते? और कहीं नहीं लगा सकते बाइक को, बाइक वाले पार्किंग में ही लगाना होगा। यहाँ पर पार्किंग है देखिए,
मुझको बाइक यहीं लगाना होगा और कहीं नहीं लगा सकते, बहुत डिसिप्लिन है यहाँ। बाइक को पार्किंग में लगा दिया, बिल्कुल सेफ है यहाँ पर, बहुत डिसिप्लिन है, बिल्कुल भी यहाँ क्राइम नहीं है। चलिए चलते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में। देखिए यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग में ही लोग क्रॉस करते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, आप इधर उधर से क्रॉस नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है डिसिप्लिन यहाँ का। लॉट्स ऑफ रूल्स आर चेंज ना, बिकॉज बिफोर कोरोना वी कैन गो डायरेक्टली, बट आई डोंट नो व्हाट इज द रूल्स। हेलो, आई हैव टू एक्सप्लेन द रूल्स व्हाट यू हैव चेंज। ओके चलिए, दिस इज द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर, या दिस इज If you are taking your own car, okay. 4,500. It goes directly to the. If I am taking my car, any vehicles, then 4,500 per day, I have to pay. Yes. Okay. As a green tax. And for Indian tourists, 1,200 per day. As an SDF charges. And for child. For child below 6 years, they will charge 50% of SDF. Below 6 years, 50%, and after 6 years, 1,200. Yes. Okay. And 600 is insurance, travel insurance also. One time travel insurance also. And another thing is, yes, you cannot stay the accommodation less than 3-star. You have to stay. Okay, I can't stay in less than 3-star hotel. Yes. Why? That is mandatory. That is mandatory. Yeah. That is what I have to stay in a hotel more than 3-star. More than three stars. Due to this policy, I can see very less tourists over here. That's the main reason. Absolutely. Yes. That is the main reason. And I have been here two times before Corona time. There was nothing like such like. Lots of crowd over here, lots of rush over here. Okay, that is the main reason. Uh-huh. And for Indian only, they have to pay only 1,200 per person per day. And for Bangladeshi also, na? Bangladeshi, Nepal, Maldives, they have to pay $200 per day per person as an SDF. Okay, $200 per day. Per person. Yeah. And vehicle charges are same? Same. Everything is same, everything except $200 per day for Nepali, for Bangladeshi and Maldives. And for other countries also. Except only India. For Indian, yes. You have considered. Because we share Okay, 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 I understand. What is your good name? My name is Sangi. What? My name is Sangi. Sangi? Sangi. Okay, you are a travel guide. I'm a travel guide. Let me show you the information. Yeah. Bahut rule change ho chuka hai. If Indian people don't want to carry their own vehicle, what is the facility you are providing? Like hire a business vehicle, mm-hmm. You have kind of the luxurious vehicle. Like what is the minimum charges for that vehicle? It depends on like your. Do you have bus facility also? Yes, we do have, but I think tourists are not actually. Tourists are not allowed. No, not allowed. It doesn't mean it's not allowed. It is allowed, but the tourists are advised not to travel in the bus because. The buses are not that much clean, right? And then. But if I want to travel by your bus, then I can travel? Of course, yes. There is no restriction? There is no restriction as such. Okay. But I think they are actually like advised not to take the passenger bus because it's quite uncomfortable for the tourists. Okay. Right? So can you tell me the charge if anyone want to take the taxi per day fare? Minimum. Just approx. I would say it depends on like you know the kind of taxi that you choose, right? The so minimum size. I would say minimum around like 3,500 per day. Per day minimum small vehicle 3,500 per day. Okay. चलिए अब मैं आप लोगों को explain कर देता हूँ
कि क्या क्या बात हुई इन लोगों से। बहुत महंगा हो चुका है भूटान आना, अब आम आदमी के लिए अब भूटान रह नहीं गया। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं पहले जब भी आया था तो कोई चार्जेस नहीं थे, अब काफ़ी चार्जेस लगने लगे हैं। पहला चार्ज है 1200 रुपया पर डे, आपको 1200 रुपया पर डे देना होगा आपका खुद का। दूसरा चार्ज है अगर आप अपने कार को बाइक को ले जाना चाहते हैं तो 4500 पर डे चार्ज है उसका। तीसरा चार्ज है 600 ट्रैवल इंश्योरेंस चार्ज है जो कि वन टाइम होगा। और बच्चों के लिए इन्होंने बताया कि 6 साल के छोटे बच्चे के लिए 50% डिस्काउंट है, मतलब कि 600 रुपया पर डे लगेगा, उसके ऊपर के बच्चों के लिए 1200 रुपया पर डे लगेगा। अदर कंट्रीज़ के लिए $200 पर डे रखा है इन्होंने, काफ़ी महंगा कर दिया है। भूटान घूमना अब पॉसिबल सबके लिए नहीं रह गया। आप ये फुट सेलिंग शहर तक अपने व्हीकल्स को लेके आप इस शहर को घूम सकते हैं भूटान का, लेकिन आप थिम्पू पारो अगर आपको जाना है तो आपको चार्जेस पे करना होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। चलिए, मैं 2 बार जा चुका हूँ थिम्पू पारो, सब घूम चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जा चुका हूँ, मेरे पास क्लिपिंग्स है थिम्पू और पारो का, मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, आप लोगों को यहाँ का शहर फुट सेलिंग आपको घुमा देते हैं। चलिए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से। आपको एक राउंड लगवा देता हूँ इस शहर का, फूड सेलिंग इस जगह का नाम है। देखिए, मैं लास्ट टाइम जब भी आया हूँ 2 बार तो फूड सेलिंग में ही रुका हूँ, इसी होटल में, होटल डैमचेन, होटल डैमचेन है ये, इसी में मैं रुका हूँ हमेशा, होटल डैमचेन। बहुत महंगा रूम रहता है, 2500-3000 से कम में रूम नहीं आता है, और बहुत सारा क्लिपिंग्स है। मैं उस समय व्लॉगिंग नहीं करता था इसलिए प्रॉपर क्लिपिंग नहीं होगा, आप लोगों को इस वीडियो के एंड में देखने मिल जाएगा वो क्लिपिंग्स। भूटान का थिम्पू पारो टाइगर नेस्ट सब का वीडियो है मेरे पास, थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो फ़ोटो होगा, वो मैं डाल दूँगा। बहुत शांत जगह है भूटान। चलिए, आप लोगों को एक राउंड दिला देते हैं। पहले इसमें ही सब कुछ होता था, इमिग्रेशन ऑफिस है, यहीं से सारा आपका परमिट वगैरह बनता था, और व्हीकल्स ले जाने के लिए अलग बिल्डिंग है, वहाँ से व्हीकल्स के लिए परमिट बनता था। You will come in my channel name is Duniya Dekho with Sunny. Write down. Okay, I will give you the sticker. Don't call me uncle, call me bhaiya. Okay, you are witness. Hello guys. Defend. This is my channel, Duniya Dekho with Sunny. भैया, बोलो thank you भैया. Thank you भैया, Duniya Dekho. Just subscribe to my channel, okay? Okay. चलो, bye bye. Love your country. We love you. We Indians love your country. We love your country. Yeah, thank you. Bye. यहाँ पेट्रोल का रेट देखते हैं भूटान में, भूटान में पेट्रोल क्या रेट में दे रहा है, नहीं तो फूल करा लूँगा अगर सस्ता होगा तो। लेट मी चेक रेट क्या है यहाँ भूटान में, रेट क्या है? 79. वाह, बहुत सस्ता है यहाँ तो, हमारे यहाँ तो 107 रुपया है। 79 है यहाँ का रेट।
पता नहीं इंडिया से ही तेल आता है लेकिन भूटान और नेपाल में तेल सस्ता होता है और अपने इंडिया में महंगा होता है। आई डोंट नो, मे बी देश के भला के लिए ही होगा कुछ। चलिए अपना भला कर लेते हैं, पहले ले लेते हैं तेल। मैंने टैंक इसलिए खाली रखा है। चलिए पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं, तेल मैंने फुल करा लिया। बहुत फ़र्क है इंडिया और भूटान में रेट का। ये देखिए लाइन लगा हुआ है बाहर जाने के लिए। एक्चुअली एग्ज़िट के लिए पर्ची देना पड़ता है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। पहले ये सब कुछ सिस्टम नहीं था, सिस्टम चेंज हो गया। ये एग्ज़िट पर देना पड़ता है। सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है भूटान का। अब मैं इंडिया में आ चुका हूँ, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। ये देखा इंडिया ख़त्म हो रहा है, भूटान शुरू। ये है भूटान का गेट, वी आर इन भूटान। ठीक है, ब्लू।